अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई साहब, मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ और भी कुछ ऐसा पिक्चर के ऊपर, जैसे कि हमारा स्टाइल तो बिल्कुल 100% सही है, मगर जब हम फेस को जूम करते हैं तो भाई साहब अपने आप ही देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पिक्चर को शेयर करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर ईजीली मिलता है। शेयर करने के बाद अब हमने अपने फेस को चेंज करना है। फेस चेंज करने के लिए यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऐड क्यूबो, इस पर क्लिक करना है और जिस फेस को आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसी ही पिक्चर को सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पर जाए, इसका जो फेस है यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर जो इरेज वाला टूल है यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद साइड में लिखा हुआ है पर्सन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद यहाँ पर नीचे इरेज पर क्लिक करना एंड देन पूरी बॉडी को इरेज करने और सिर्फ हेड को ही छोड़ देना गर्दन तक। जैसा मैं करता हूँ आपको सेम इस तरह ही करना है। एंड देन यहाँ पर ऊपर टिक का ऑप्शन है, इस पर टिक करना। क्लिक करने के बाद पिक्चर को जूम करना है और अब इसके साथ यहाँ पर एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम है, फेस सफ़ेद और गर्दन सफ़ेद में, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको डन करने के बाद पिक्चर को सेव कर। एंड देन आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है स्केच बुक एप्लीकेशन। तो मैंने पिक्चर को यहाँ पर शेयर किया एंड देन गर्दन को जूम करते और इसके बाद ऊपर इस वाले टूल पर क्लिक करते। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग देख ली, साइज को अपनी 40 रख लेना है, फ्लो को 5, स्ट्रेंथ को 4% रखना, स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाना है 6% ही रखना, 7% रखना। एंड देन आपको यहाँ पर ब्रश करना है। फाइनली गाइस, आप लोग देख लो कि मैंने फेस को कैसे चेंज किया और आपको वीडियो समझ भी आई होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा।